हम पहुंच गए हैं अर्तुगरुल गाजी की मज़ार पे। ये रहा एंट्रेंस, ये है आसपास का एरिया, ये है उसका ड्रेस। और ये इस तरह की चीज़ें जो अर्तुगरुल गाजी के ड्रामे में यूज़ होती थी, उस ज़माने के लोग जो पहनते थे, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर। कैप्स है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं ये अर्तुगरुल गाजी में जो यूज़ होता है ड्रेस। बमसी जो पहनता है वो। तो चलो अंदर। ये सारी उनकी कब्रें हैं। जा रहे हैं आगे, आगे भी बहुत सारी मज़ारे हैं, देखते हैं कि किस किस के मज़ारे हैं आगे। यह हुसैन, इजमेर, आलिया, इलगिक, मुस्तफ़ा और इन सब के नाम के छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। ये है उस्मान गाजी की कब्र। डिटेल पे जाना चाहते हैं वो उसको पढ़ सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं हम। है आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रियल है। Thank you.
ये पूरा बाहर का हिस्सा है। अभी तो बहुत सारा कैफ़े वगैरह बन गया है, यहाँ पे खाने पीने की जगह है और ये भी कुछ है। ओहो, ये तोपे लगी हुई है। आप देख रहे हैं हर जगह, हर कोना कोना इतना खूबसूरत है, इतना नीट एंड क्लीन है, हाइजीन फ्री है। ओहो, यहाँ से तो आगे का व्यू तो सुभान अल्लाह, वाकई बड़ा ही ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो नज़ारे हैं, मैं तो बता नहीं सकती, इतना खूबसूरत है, क्या बताऊँ मैं। हम लोग बुरसा के एकदम टॉप पर आ गए हैं। उस्मान गाजी की अगर आप मज़ार पर आएंगे तो आपको यहाँ से ये सारे मंजर जो है दिख जाएंगे। वो जो देख रहे हैं आप वो है ग्रैंड मॉस्क। और हम बच्चे लोग हैं, बाने कलर यूज़ कर रहे हैं कॉइन डालकर। ये औरतें जो है घर में बनाने वाली है तो आई थिंक इनको परफेक्ट टेस्ट का अंदाज़ा होगा, तो हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। ये ब्रेड है और उसके ऊपर चीज़ डाला हुआ है, देखिए। आई थिंक दिस इज द बेस्ट, इसे बोलते हैं गोजलमा, गोजलमे। अरे
योजना में बहुत गर्म है। बेसिकली ये ब्रेड होता है और उसके अंदर जो है लोडेड चीज़ है इस तरह से। बिस्मिल्लाह, हम लोग करते हैं भी बिस्मिल्लाह। काफ़ी गर्म है, बहुत अच्छा चीज़ और रोटी ब्रेड। हाँ, ब्रेड का कॉम्बिनेशन कैसे लगा? रोटी है, ऐसी रोटी है, मगर बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है पर बहुत ही मतलब उसका जो चीज़ का जो फ्लेवर है ना ज़बरदस्त। और ये यहाँ का ड्रिंक है, हलाल है। और हम लोगों ने साथ में ये भी लिया है पेप्सी। देखते ही कैसा रहता है। पर क्या है ये छाछ जैसा है, हमारा जो इंडियन छाछ होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है।